तो देखिए हम बताना चाहते हैं, रेलवे का ये बहुत गलत नियम है कि टाइम जब हो जाता है ट्रेन का उसके बाद प्लेटफॉर्म अनाउंस किया जाता है कि प्लेटफॉर्म है, तो वो देख के बैठ जाते हैं। पहले बहुत दिक्कत। तो भैया देखिए, सावन के इस पावन महीने में ट्रेन पटना से खुली है और हमारी जगह देखिए भेड़। एक बार बोलिए, बोलना भो। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय को कहते हैं बाय बाय। सब रहला घर के भीतर आज बाबा। भोजपुरिया पावर स्टार पवन सिंह जी का यही है। कौन बोली कहते हैं? चलिए भैया न्यू ब्लॉग फ्रेंड, देखिए शाम के बज रहे हैं 7 और अभी हम हैं फिलहाल इटारसी जंक्शन पर देखिए, और आज हम चल रहे हैं इटारसी से सुल्तानगंज, और आज जो हम ट्रेन लेने वाले हैं लोकमान तिलक से चलकर भागलपुर जाती है 12236 डाउन लोकमान तिलक भागलपुर एक्सप्रेस, जो कि सप्ताह में 3 दिन चलती है, रविवार मंगलवार और गुरुवार को। और ये ट्रेन यहाँ इटारसी आएगी शाम को 7:20 पे और यहाँ से डिपार्ट होगी शाम को 7:30। चलिए बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। और आज जो हम सफर कर रहे हैं एसी कोच है, 3 टायर B3 में हमारा सीट है, 44 नंबर सीट है। चलिए बने रहिएगा ब्लॉग के साथ, आप लोग को दिखाते हैं इस कोच का क्या है, मतलब कैसा है इस एसी कोच का हाल। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ, हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जो किए हैं, चलिए बने रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, शाम के बज गए हैं 7:18 और ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। तो अभी ट्रेन आएगी, रुकेगी, मतलब 10 मिनट स्टॉपेज है यहाँ पे, तो आती है फिर। तो देखिए ट्रेन आने का था LTT, तो आ गई AC एक्सप्रेस, ये भी पीछे थी अभी, और टाइम है अभी LTT एक्सप्रेस का आने का। तो चलिए इसके बाद जो जाएगी तब आएगी हमारी ट्रेन लोकमान तिलक भागलपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस। देखिए ये कौन सी गाड़ी है, ये गाड़ी है आपका कामाख्या लोकमान तिलक। लो भैया ये भी कामाख्या लोकमान तिलक, लोकमान तिलक से ही आ रही AC एक्सप्रेस है ये। चलिए वो आती है फिर आप लोग से मिलते हैं। देखिए इस गाड़ी के आने के बाद अब लोकमान तिलक का अनाउंसमेंट हो गया 3 नंबर पर, वो आ रही है 3 नंबर पर, उनको चलना पड़ेगा 3 नंबर पर। चलिए 3 नंबर चलते हैं, प्लेटफॉर्म का परिवर्तन किया गया, चलिए 3 नंबर चलते हैं। तो देखिए हम बताना चाहते हैं, रेलवे का ये बहुत गलत नियम है कि टाइम जब हो जाता है ट्रेन का उसके बाद प्लेटफॉर्म अनाउंस किया जाता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है। अब बताइए जितने यात्री 5 पे होंगे, बहुत सारे सामान होंगे, तो भागे भागे आएंगे, ये बहुत गलत बात है। पहले से आप डिसाइड कीजिए कितने नंबर पर लाएगी, पहले 5 दिखाते हैं फिर 3 अचानक एकाएक तब्दील करते हैं, ये बहुत गलत बात होता है। तो चलिए 3 पे आ गया, बहुत भागते भागते और ट्रेन भी घुस गई है, चलिए बने रहिए ब्लॉक के साथ। तो लीजिए भाई ट्रेन आ गई है और देखिए सभी यात्री दौड़ रहे हैं प्लेटफॉर्म तब्दील करने के बाद, देखिए कितना परेशानी, सभी यात्री दौड़ रहे हैं। देखिए ये आ गई LTT, और कोच कहाँ लगेगा वो भी नहीं दिखाया जा रहा है अभी। हाँ अब दिखाया गया है, शायद AC पीछे, चलिए गाड़ी तो घुस गई है, AC शायद पीछे है, इसमें पीछे जाना पड़ेगा, दिखा रहा था आगे, चलिए पीछे चलते हैं भागे भागे, बहुत बड़ी गाड़ी है भाई। तो देखिए ट्रेन का नेट पे दिखा रहा था B3 आगे है, और देखिए नेट पे भी बहुत गलत दिखाया, और B3 बहुत पीछे है, एकदम लास्ट एंड पे है, तो ये नेट पे भी बहुत गलत दिखाता है और अनाउंसमेंट भी बहुत गलत करते हैं आप लोग, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। चलिए भागे भागे आए हैं और आ गए हैं कोच के पास, तो सीट सामान वान सब रख दिए हैं, फिलहाल ट्रेन खुलेगी फिर आप लोग को व्यू दिखाते हुए चलेंगे। चलिए देखिए अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और आई है बिल्कुल टाइम से, मतलब 10 मिनट लेट आई है, तो खुलेगी कितना देर में वो देखना होगा। चलिए ट्रेन खुलती है फिर आप लोग दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ट्रेन तो निकल गई है बिल्कुल टाइम से, मतलब थोड़ा लेट है लेकिन टाइम से ही निकली है, बिल्कुल ऑन टाइम। चलिए निकलती है यहाँ से, फिर आप लोग को कोच का मतलब दिखाएंगे क्या क्या है, कैसा है फैसला। तो देखिए रुक रुक के ट्रेन चल रही है, फिर रुक गई, स्टेशन निकलने से पहले रुक रही है। तो चलिए उस साइड लगी है पंजाब मेल, और ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है यहाँ से, तो इटारसी को कहते हैं बाय बाय।
ऐसा है कुछ इटारसी का व्यू रात के 7:30 बजे। देखिए कितना अंधेरा हो गया। चलिए अब आप लोग को अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं कोच के अंदर। आ गए हैं और लगभग सब देखिए सब लगभग लगा के सो चुके हैं इधर। और इधर है हमारा कंपार्टमेंट जो कि अभी अंधेरा है, तो यहाँ पे हमारा सीट है। तो लाइट जलाते हैं, फिर क्या क्या सुविधा है इसके अंदर वो आप लोग को दिखाते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो देखिए ट्रेन के अंदर आने के बाद ये आपका चार्जिंग स्लॉट, दो इधर है, एक सीट के पास है, एक सीट के पास लाइट भी है और एक वहाँ भी है ऊपर, एक शायद नीचे है। और लगभग लोग सब यात्री सब लोकमान्य तिलक से सफ़र कर रहे हैं, तो लगभग सभी का बेड, हमारा बेड इधर ऊपर है और ये रहा हमारा सीट 44 जो कि लोअर बर्थ है। चलिए सामने एक शीशा लगा हुआ है तो ये भी साफ़ सुथरा है, लेकिन जो वहाँ बाथरूम के पास था वो थोड़ा शीशा गंदा था। चलिए सफ़र को शुरू करते हैं और अब मिलते हैं आप लोग से कुछ देर में। तो ट्रेन हमारी इटारसी से खुलने के बाद पहुंची है पिपरिया, देखिए। और लगभग यहाँ ट्रेन आई है आधा घंटा डिले। तो यहाँ से जब ये खुलेगी तो ये रुकेगी सीधा जाके जबलपुर, जो आएगी रात को 11 बजे। तो चलिए यहाँ से अब गाड़ी निकलती है, फिर खाना पीना खाते हैं, फिर सोएंगे। तो चलिए सिग्नल हो गया तो पिपरिया से गाड़ी डिपार्टेड हो रही है। तो चलिए अब ये रात को 11 बजे जबलपुर पार करेगी, तो आप लोग को जबलपुर नहीं दिखा पाएंगे। चलिए चलते हैं। चलिए भैया हमारी ट्रेन डिपार्टेड हो रही है पिपरिया से। और अभी आप लोगों को बताया ट्रेन का सिग्नल हो गया था और एक लड़की थी मार अपना पूरा भरा बोतल पानी गिरा दी और सामने था पानी का रखा हुआ, लेकिन जैसे ट्रेन खुली नहीं बैठ पाई, मतलब नहीं भर पाई पानी। चलिए ट्रेन निकल गई हमारी पिपरिया से और देखिए मरकड़ी क्या चल रहा है। वाह क्या बात, 21:10 पिपरिया पहुँची है ये। चलिए भैया बाय बाय पिपरिया। तो ट्रेन अब पहुंचेगी यहाँ से जबलपुर, तो रात को 11 बजे आएगी। तो चलिए रात के बज गए हैं 10:30 और खाना पीना खाने के बाद लगभग कुछ के अंदर सभी सो गए हैं और आए इधर अपना ब्रेकफास्ट हो गए हैं। चलिए आप लोग से मिलते हैं सीधे सुबह। चलिए देखते हैं सुबह कहाँ पर होती है, फिलहाल ट्रेन 1.5 से 1.25 घंटे लेट है। चलिए मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। सुबह के बज गए हैं 8 और ट्रेन लगभग 1.5 घंटे लेट हो चुकी है और अभी जस्ट निकली है प्रयागराज चौकी से और अब आने वाली है मिर्जापुर। बोलो क्या बोलोगे बोलो भैया, कहाँ जाओगे, कहाँ नहीं कुछ बोलना है, बोलो क्या बोला? बोलो धूम मचाए हो रात से, बोलो क्या बोलना है, बोलो। तुमको ही कुछ बोलना है नहीं बोलना है, क्या बोलना है बोलो 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 क्या बोलना है, बोलो जल्दी बोलो। कुछ नहीं बोलना है, अभी बोलते हम बोलेंगे, नहीं बोली तुम भी नहीं, किसी को नहीं बोलना। देखिए एक रफ्तार में ट्रेन, एक रफ्तार में वो मालगाड़ी। देखिए ट्रेन विंध्याचल से निकली, मिर्जापुर। देखिए ट्रेन खड़ी हो गई मिर्जापुर आके, और देखिए नज़ारा मिर्जापुर का, ऐसा है कुछ व्यू। और यहाँ से जब ये ट्रेन खुलेगी तो सीधा रुकेगी पंडित दीनदयाल। 8:25 हुआ है, 6:05 का टाइम था यहाँ पे। तो ट्रेन निकल चुकी है मिर्जापुर से, ये देखिए यहाँ की मूवी बनी थी ना मिर्जापुर, यही वो मिर्जापुर है। निकल गई है ट्रेन,
मिर्जापुर से। तो देखिए आप लोग को बताना चाहते हैं इस ट्रेन के बारे में, लगभग इसमें 23 कोच है जिसमें कि एसी 7 इंक्लूडेड 2 टायर है और स्लीपर 9 और 3 जनरल कोच है, एक पेंट्री कार है। तो अगर आप लोग को इस 2 टायर की बात करें तो इसमें आपको लग जाएगा लगभग 2,850 रुपये। थर्ड एसी की बात करें तो इसमें लग जाएगा आपको लगभग 2,000 रुपये और स्लीपर में सफ़र करते हैं तो लगभग 750 रुपये। चलिए और जनरल वाले अपना देख लीजिएगा। चलिए अभी हमारी ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंचने वाली है, तो कैसी लगी आप लोग को ये जानकारी आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए ये चलते हैं भाई साहब उतर के। तो ये उतरते हैं कौन, जिनके पास टिकट नहीं रहते हैं ना वो उतर जाते हैं स्टेशन से पहले ही। तो देखिए ट्रेन हमारी पहुंची है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और यहाँ देखिए कांवड़ियों का भीड़ दिखना शुरू हो गया। अभी सावन का टाइम चल रहा है तो कांवड़िया बहुत लोग चल रहे हैं। तो देखिए कांवड़ लेके बोलबम जा रहे हैं। देखिए आप लोग को बता दे यहाँ से नहीं तो कम से कम 100 से 200 जोड़ी ट्रेन यहाँ से पर डे निकलती है और हर जगह के लिए, मुंबई दिल्ली कोलकाता हर जगह के लिए निकलती है। तो चलिए हमारी ट्रेन अब यहाँ से खुलने वाली है। फिर देखिए यहाँ पे मुगलसराय गाड़ी रुकी हुई है तो यहाँ पे अनाउंस किया जाता है जिस गाड़ी में एसी को जाके लगा रहता है इसमें अनाउंस किया जाता है, लेकिन इटारसी में ये इस ट्रेन का अनाउंसमेंट नहीं किया गया था कि एसी कहाँ पे लगा रहता है सिर्फ। तो चलिए भैया हमारी ट्रेन 9:30 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय से डिपार्चर हो रही है। और यहाँ पे अमरूद जामुन खाना है मस्त। आप लोग को दिखाते हैं क्यों है ये एशिया का सबसे बड़ा यार्ड। तो चलिए भैया पंडित दीनदयाल उपाध्याय को कहते हैं बाय बाय। ये देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इसी का नाम पहले था मुगल सराय। देखिए रेल में काम हो रहा है। पटरी का लेंथ ना बजा रहे, कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है नल का। ये ट्रेन है मालदा फरक्का। ये फरक्का एक्सप्रेस है जो मालदा से दिल्ली तक जाती है। देखिए ट्रेन हमारी फास्ट हो रही है। देखिए कितना बड़ा गाड़ी है और वो जो रास्ता गई है वो चली गई है हावड़ा की ओर। मालगाड़ी खड़ी है उसी रूट में हावड़ा का। तो भैया हमारी ट्रेन पहुंच गई है बिहार और निकल रही है बक्सर से, देख लीजिए। तो बिहार इन कर गई है हमारी ट्रेन और अब बिहार वाला खुशबू आने लगा इस ट्रेन। देखिए देख लो भैया काबा हमारे बिहार में, टोटो बा ऑटो बा और है खटाखा भीड़ ही बा हमारे बिहार में, देख लो भाई लोग। चलिए भैया चलते हैं अब अंदर। तो चलिए भैया ट्रेन इन कर गई है बिहार के पावर स्टार पवन सिंह जी के गांव। तो देखिए भाई पहुंच गए हैं आरा और यहीं पे है पावर स्टार पवन सिंह का घर। तो ये है आरा जी का, देखिए आरा भी आरा जंक्शन पे भीड़ देखिए कितना जबरदस्त है। हमारी ट्रेन का कुछ तो पीछे है। देखिए आरा जंक्शन से गाड़ी खुल गई है। चलिए भैया निकल गई हमारी ट्रेन आरा जंक्शन से। तो देखिए ये है कोइलवर ब्रिज, ये पुराना वाला ब्रिज मतलब रेलवे लाइन का है और इसी के जस्ट राइट साइड में सॉरी लेफ्ट साइड में नया वाला पुल है वो भी आप लोग को दिखाते हैं। देखिए आप लोग को नीचे अगर दिखाए ना तो नीचे देखिए इसके ऊपर पटरी और नीचे रोड है।
रोड है इसके नीचे। लेकिन अब जो रेलवे ब्रिज बनता है ऊपर रोड नीचे पटरी, क्योंकि देखिए इतना भारी वर्कम गाड़ी, इतना लोड और नीचे हाईवे है तो दिक्कत हो सकता है ना, इतना भारी वर्कम गाड़ी चलेगी तो इसीलिए देखिए इसका नया वाला जो बना हुआ है उसका देखिए उस साइड बना हुआ है, आप लोग को दिखाते हैं। देखिए उसका जो नया वाला बना है ना रेड रोड का, ये देखिए ये है, ये तो पहले जितनी गाड़ियां उधर से जा रही थी ना सब इस ट्रैक से जो रेल गाड़ी जा रही है इसी के नीचे से जा। देखिए बेटा कैसे धूल उड़ाते हुए निकल रही है गाड़ी। तो ट्रेन पहुंच गई दानापुर, इससे पहले आउटर पे लगभग आधे घंटे खड़े की। चलिए भाई ट्रेन इन कर गई बिहार की राजधानी पटना। तो देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है शायद, तो प्लेटफॉर्म आपका लेफ्ट साइड में है। तो देखिए ट्रेन निकल रही है पटना से, और इस ट्रेन का हाल अभी ऐसा हो गया वो आप लोग को भी दिखाएंगे, पूरा कांवड़िया से भर चुका है ट्रेन। और तो भैया देखिए सावन के इस पावन महीने में ट्रेन पटना से खुली है और कांवड़िया का देखिए भैया एक बार बोलिए बोलना भाव, देखिए ये इसी का हाल है, अभी अंदर चले गए आप लोग को व्यू दिखाई कितना जबरदस्त है। देखिए इधर भैया लोग बोलो बोलिए तो देखिए ये था गेट का नजारा, अभी आप लोग अंदर का व्यू दिखाते हैं। देखिए अंदर का क्या हाल है, अंदर का देखिए हाल फूल है भैया कोच पूरा। देखिए चलने के लिए जगह भी नहीं है, रहला घर के भीतर आए बाबा के हो बाबा तब रहला तू बाहर जुकाम नहीं धरे बाबा। देखिए ट्रेन फतुआ से निकल गई, तो ट्रेन निकल रही है बाढ़ आया हुआ यहाँ सुखाड़, लेकिन स्टेशन है बाढ़ लखीसराय पहुंची है। लखीसराय देखिए दौड़ रहा है पकड़ने के लिए गाड़ी के, देखिए कितनी गलतियां कर रहे हैं, देखिए अपोजिट साइड से चल रहे हैं सब, अगर गाड़ी इधर से आ जाएगी तो क्या होगा। देखिए लगभग 2 घंटे के बाद इस कांवड़िया लोग को सीट मिला है, बहुत देर से डिले हो रही है ट्रेन, अभी भी ट्रेन 1 घंटा डिले है यहाँ भी। और देखिए वो जो रूट गई है ना जो मेन लाइन चली गई है, हावड़ा की ओर चली गई, हावड़ा की। देखिए क्या मस्त व्यू है जयपुर से पहले का, जयपुर का बेंच बना दे, मुजफ्फरपुर पूर्णिया तरफ फेंक दे। इस कारण से आप लोग को अपोजिट साइड पे भी ट्रेन के अंदर भीड़ बहुत है, इसलिए बाहर उतर के दिखा नहीं सकते आप लोग। हमारी गाड़ी पुराने वाली सुरंग से जा रही है, चलिए घुस गई सुरंग के अंदर। तो फाइनली देखिए पहुंच गए हम अपने शहर सुल्तानगंज, और यहाँ जब आए हैं तो देखिए बोलबम का नारा है बाबा एक सहारा है। देखिए सावन के इस पावन महीने में पहुंच चुके हैं हम अपने शहर, और कैसा
यात्रा आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अब ब्लॉग को इन करने का टाइम आ चुका है। चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं भोलबम का वाइब। पूरा कांवड़िया का जत्था आया है भाई, पूरा कांवड़िया का जत्था आया भाई। तो फाइनली फ्रेंड्स पहुंच गए सुल्तानगंज और यहां का नजारा अजब लग रहा है देखने में, बहुत ही रंगारंग, बहुत ही मजे। कांवड़िया तो पूरा सुल्तानगंज पटा हुआ है अभी सावन के इस पावन महीने में। चलिए 1 2 3 3 6 को आप करते हैं बाय बाय। तो कैसा लगा आप लोग को ये ब्लॉग, आप लोग जरूर बताइएगा। हमारे गाँव से देख रहे थे सपोर्ट कीजिए, सुल्तानगंज देख रहे थे खोल के सपोर्ट कीजिए, और बिहार भागलपुर से देख रहे तो जितना हो सके तो सपोर्ट कीजिए। और इस ट्रेन के बारे में सब कुछ ठीक ठाक रहा, बाकी चलिए मिलते हैं देखो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हां फ्रेंड्स, नीचे हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है, उसे फॉलो कीजिएगा। और एक बार सबको बोल दीजिए ओम नमः हर हर महादेव, बाय बाय।